मैं जाऊंगी पुलिस स्टेशन में, मैं हर एक द्वार ठकाऊंगी जो मुझे लगता है कि जहां मुझे न्याय दिया जाए, ट्विटर के माध्यम से मुझे जज ना किया जाए। मैं एक लॉयर हूं, मैं एक संविधान की, मैं एक एडवोकेट हूं, मैं एक संविधान की इंसान हूं, मुझे डॉन बोला गया है, मेरी भाभी को कुछ बोला जाता है, डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, डेफिनेटली ट्विटर के थ्रू ही हुआ है। आपने, आपके जो जो ये मंत्री हैं, इन्होंने कहीं कोर्ट में पेपर्स डाले हैं एविडेंसेस के लिए? जो ये कास्ट के ऊपर इशू उठा रहे हैं, हमारी जाति के ऊपर इशू उठा रहे हैं, इन्होंने जाके खुद पेश किया है एविडेंसेस? जो ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं एक माध्यम के थ्रू, उन्होंने खुद गए हैं, वो कोई पुलिस स्टेशन के पास गए हैं, उन्होंने कुछ फाइल किया है कोर्ट में, उन्होंने फाइल किया है एविडेंसेस? ठीक है, मुझे पूछने के अलावा, एक बहन को पूछने के अलावा, एक लॉयर इंसान को पूछने के अलावा, आप उनको पूछिए, इट वुड बी बेटर। ठीक है, और नहीं, और प्लीज करेक्ट योर फैक्ट्स। आई थिंक द एनसीबी डिपार्टमेंट हैज नॉट ओनली टारगेटेड सिर्फ सेलिब्रिटी को ही नहीं, एक छोटे से माध्यम के थ्रू हर एक को किया गया। मैडम प्रियंका जी, सवाल यह है कि क्या सही प्लेटफॉर्म पर जाने के बजाय नवाब मलिक भी सोशल मीडिया पर कीचड़ उछालने के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं? जी, आई थिंक अंजना जी, एक सही माध्यम, एक बात बताइए, आप एक प्रवक्ता हैं, एक स्पोक्सपर्सन है, वो उसको पता नहीं है कौन सा प्लेटफॉर्म सही होगा? यास्मीन जी, आई मे बी अ नोबडी फॉर यू, आई मे बी अ नोबडी फॉर यू, एक प्रवक्ता है वो, उनको पता होना चाहिए, उनकी पोस्ट बहुत बड़ी है, उनको उनको एक बहुत बड़ी पोस्ट पे बिठाया गया है, उनको पता होना चाहिए किस माध्यम के तू कैसे प्रोटोकॉल लेवल पे किसी को भी आप बोल सकते हो। आप दुबई गए थे, आपने पैसे खाए, एक घिनौना वर्ड यूज कर सकते हो एक औरत के लिए, कि आपने एक्सट्रॉशन किया, आपने खंडन ही की, ये माध्यम के थ्रू हमें ट्विटर के थ्रू ये बोला जा रहा है, बिना हमारे पासपोर्ट चेक किए ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि भाई बहन साथ में गए थे, दोनों यहां पर वसूली का काम कर रहे हैं, खंडन नहीं कर रहे हैं, आप मेरे 70 साल के पिता के ऊपर ये बोल रहे हो कि फर्जीबाज है, बोगस इंसान है, ये किस माध्यम के थ्रू जा रहा है? कोर्ट के माध्यम के थ्रू जा रहा है मैडम? नहीं ना, जवाब जा रहा है ट्विटर के माध्यम पर। जवाब सुनते हैं प्रियंका जी। आई विल, देखिए ऐसा है यास्मीन जी के लिए तो हम कुछ भी नहीं हैं, वो एक महत्वपूर्ण महिला हैं, एडवोकेट हैं, विमेंस एक्टिविस्ट हैं, उनको अपने सारे लॉज, नियम, कानून सब पता है, तो इसलिए मैं उनसे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहूँगी। हम लोग, वी आर नोबडी इन दिस सिस्टम, बट आई एम समबडी, आई एम एन इंडियन सिटीजन फर्स्ट, एंड एज एन इंडियन सिटीजन मैं मानती हूँ कि हमारा NCB हो, CBI हो, IT हो, ED हो, हमारा सरकार हो, हमारा विपक्ष हो, सारे चुने हुए नेता हो, वो MP हो, MLA हो, या MLC हो, या वो कॉर्पोरेटर लेवल पे हो, सबकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, कोई भी लॉ के अबाव नहीं है। पहली बात रही बात मंत्री जी क्या कर रहे हैं, मंत्री जी क्यों कर रहे हैं, अगर वो कहीं गलत कर रहे हैं तो आप उनका जवाब, आपके पास सारे माध्यम, क्योंकि आप बहुत ज्ञानी हैं, आपके पास सारे क्योंकि ज्ञानों की आप देवी हैं, आपके पास सारे माध्यम ओपन हैं, आप तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी रही बात क्या क्या सबूत पेश हुए हैं, उन्हीं सबूतों के आधार पे हमें पता चला कि गोसावी जी वहाँ पे थे, बकायदा रेड से पहले भी थे, रेड के बाद भी थे, और प्राइम विटनेस वही कोरोबरेट कर रहा है जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है। दूसरी बात मैं कहूँगी, ये जो 26 लोगों के बात आई है, वो खुद नवाब मलिक जी ने एक लेटर लिखा है कि NCB को इस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो आप इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, यहाँ पे आकर टेलीविजन चैनल पे ना मैं कुछ हूँ, ना मैं कोई छोटी मोटी हस्ती हूँ, आप इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, आप समझ सकते होंगे कि क्या क्या दायरे हैं। रही बात ट्विटर सोशल मीडिया की, सो मैम आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग, सोशल मीडिया पे मुझे भी बहुत थ्रेटन हुआ था, बहुत सारे थ्रेटनिंग मैसेजेस आए थे, आई टुक द मुंबई पुलिस रूट एंड मुंबई पुलिस इंश्योर कि जो पर्सन गुजरात में बैठकर मेरे बारे में और मेरी बेटी के बारे में घिनौनी बात कर रहा था ना, वो अरेस्ट हुआ था और बाकायदा कार्रवाई हुई थी। ये भी ऑप्शन आपके पास है, मैं बस यहीं पे सीमित करूंगी कि आने वाले समय में NCB का ओशिवारा पुलिस स्टेशन में FIR फाइल किया है। मैडम मैंने 3 दिन पहले कंप्लेंट फाइल किया है ओशिवारा पुलिस स्टेशन पे, प्लीज इस माध्यम से मेरी मदद हो सकती है कि वो आगे बढ़ सकता है।